Hello students, welcome to Radial Learning. In this session we'll be discussing about embedded figure. Embedded figure क्या होता है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय entrance examination में किस तरह के questions पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम इस session में discuss करेंगे. इस session में students will be discussing about 15 questions. हम 15 questions देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि embedded figure का question जब भी आपके exam में आता आपकी क्या approach होनी चाहिए, क्या आपके माइंड में क्या क्या चीजें चलनी चाहिए, ठीक है. और उसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. बट बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस, बिफोर कमिंग टू द 15 क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन, आई लाइक टू टेल यू अबाउट दीज टू बुक्स. ये दोनों बुक्स बच्चों आपको अगर नहीं पता है तो फिर बहुत आपके लिए प्रॉब्लम की बात है. आपको ये बुक्स के बारे में पता भी होना चाहिए. और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दो बुक्स आपके इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं. इंडिस्पेंसिबल टूल्स का मतलब कि इनके बिना आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने से आप रह जाएंगे. ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्यों इंपॉर्टेंट हैं और मैं फ्रेम से हट जाता हूं और इन दोनों बुक्स के बारे में आपको बताता हूं. जो बुक लेफ्ट में है, जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय स्टडी गाइड है, दिस स्टडी गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कवर्स ऑल योर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट सिलेबस. लेटेस्ट सिलेबस जो भी है उस सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इसमें वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए. वीडियो सोल्यूशन से क्या फायदा है, जब भी आप कहीं पे भी अटक जाएंगे किसी क्वेश्चन में, यू स्कैन द QR कोड और हमारे एजुकेटर्स आपको वहां पे एक्सप्लेन करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है. दोनों बुक्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. दिस बुक इज फॉर स्टडी. आपने पढ़ाई कर ली, पर पढ़ाई करने के बाद आपको यह कैसे पता चलेगा बच्चों कि आपने कितनी, आपका क्या लेवल है, तो उसके लिए खुद को टेस्ट करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस की बुक होनी चाहिए. प्रैक्टिस की बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कवर्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स में क्या आ सकता है, वो सब कुछ इन दोनों बुक्स में कवर किया गया. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, आई थिंक आज ही आपको ये दोनों बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है. चलो अब जो हम बात करने वाले आज एम्बेडेड फिगर की, तो स्टूडेंट्स एम्बेडेड फिगर में आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम आज ले ही रहे. ध्यान हमें क्या रखना होता है कि एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है और वो चार ऑप्शन में से किसी में एम्बेडेड होता है. एम्बेडेड होता है मतलब छुपा हुआ होता है, तो हमें उसे ढूंढना होता है बस, ठीक है. तो इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखनी होती है बस, ठीक है. अब जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो उसमें ये वाली लाइंस नहीं दिख रही मुझे, इसलिए ये गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन में भी देखो ये वाली लाइंस होनी चाहिए ना, यहां पे नहीं है. डी में भी नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें ये पार्ट एम्बेडेड है. ये पार्ट कहां से कहां तक एम्बेडेड है मैं उसको डार्क कर देता हूं या मैं उसको ऐसे आउटलाइन बना देता हूं. ये देखिए, यही तो क्वेश्चन फिगर था और इसी को ही हमें आउट ऑफ द फोर ऑप्शन हमें इसी को ही ढूंढना था कि किसमें छुपा हुआ है, किसमें एम्बेडेड है. So for this your first question, the correct answer is C. ठीक है, आपको देखना क्या है बच्चों कि question जो है out of the four options कहाँ पे छुपा हुआ है, बस इसी चीज का test होता है आपके exam में. अगर आपने practice अच्छे से नहीं कर रखी है तो आपको दिक्कत होगी. तो इसलिए आप मेरे साथ इस session में भी practice करें और books में तो फिर आपको पता ही है कि questions का भंडार है पूरा. तो book जब आप लेंगे तो book में तो बहुत आपको material मिलेगा practice के लिए. चलिए इसे देखते हैं, कुछ ऐसा बना हुआ है. अब इसमें दिख रहा है क्या, इसमें कहीं नहीं बनता दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा. ये वाला करेक्ट है. कैसे करेक्ट है मैं आपको बना के बताता हूं इसकी आउटर पेरिफेरी, सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि सर आप क्या कहना चाहते हो. देखिए क्वेश्चन फिगर हमारा इसी तरह से था ना, क्वेश्चन फिगर हमारा ऐसा ही तो था. ये मैं रेड से बना देता हूं तो आपको और क्लैरिटी रहेगा. क्वेश्चन फिगर यही कह रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है अमंग द गिवन ऑप्शंस किसमें छुपा हुआ है, किसमें एम्बेडेड है, ठीक है. बस यही हमें देखना था. सो फॉर योर सेकंड क्वेश्चन अगेन योर करेक्ट आंसर इज सी. चलिए मैं चाहता हूं बच्चों ये वाला आप आंसर करें, एक नजर मारिए देखिए. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे प्रिपरेशन कर रहे तो इसका आंसर भी आप फिगर आउट कर पाओगे. एंड फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बस ये ट्रायंगल देखना है कहां पे छुपा हुआ है, तो ये यहां पे छुपा हुआ है, ये रहा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट. सो अगेन फॉर योर थर्ड क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए फोर्थ देख के बताइए मुझे जल्दी से जल्दी, फोर्थ बताइए किस तरह से आपको लग रहा है कहां पर एम्बेडेड है ये. देखिए ये वाला नहीं होगा
The reason I say that because in the question there is a curve, but in option C एक rectangle बना हुआ है, so that is again incorrect. फिर एक ऊपर की तरफ लाइन जाएगी और फिर इस साइड लेफ्ट साइड में लाइन जा रही है, तो इसमें लाइन ऊपर तो जा रही है लेफ्ट साइड नहीं जा रही, तो ये गलत हो गया. अब इन दोनों में से चेक करना है हमें, इन दोनों में से चेक करना है, तो इन दोनों में से मुझे लगता है कि आपका करेक्ट आंसर बी होगा. क्यों बी होगा, आप देख सकते हो थोड़ा साइड से बना है, इसमें सेंटर से बना हुआ, इसमें सेंटर के ज्यादा नियरर है, दैट इज द रीजन योर ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूं, कुछ इस तरह से आउटलाइन बना देता हूं उसका, ऐसा कुछ बना. सो दैट वॉज योर फोर्थ क्वेश्चन. चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे. बस एक आप नजर बना के रखो अच्छे से. देखिए ये दोनों तो गलत हैं, दिख रहे हैं ये दोनों तो गलत दिख ही रहे हैं. अब दिस क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड इन विच वन, इन ए और बी. तो देखिए ये वाला पार्ट तो दोनों में दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये ऊपर जाके लाइन सीधी हो गई है, यहां पे लाइन सीधी है, यहां पे यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक बात ठीक थी, बट ये लाइन सीधी आनी चाहिए थी, यहां पे लाइन सीधी नहीं है, इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, सो दैट इज द रीजन आपका ए गलत हो गया. यू माइट गेट कंफ्यूज कि सर ए करेक्ट लग रहा है या बी करेक्ट लग रहा है, पर आप उसे बारीकी से देखेंगे, आप उसे ध्यान से देखोगे बच्चों. देखो एम्बेडेड फिगर में मैं बताता हूं कि सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस आप जितनी करोगे वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है. आपको ढूंढना है और ढूंढोगे कैसे आप, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है ना. अब इसमें तो ये तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है कि ई बनता हुआ कहां दिख रहा है, तो ई बनता हुआ बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है. फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है, और यही बात है कि दिस क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड इन योर ऑप्शन ए. इसमें कहीं पर भी ई नहीं बन रहा इस तरह का जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, दीज टू आर ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट. चलो ये बता दीजिए स्टूडेंट्स, अगेन वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन आई वुड से. सिर्फ एक कर्व देखना है आपको और वो किस क्वेश्चन में दिख, किस ऑप्शन में दिख रहा है. एंड आई थिंक ये तो आप लोग भी बता ही दोगे यार मुझे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर इसका आंसर तो हमको सी ही लग रहा है और सी ही आपका करेक्ट है, ठीक है. ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप समझ सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड में, एम्बेडेड फिगर में कुछ कुछ अलग भी आता है, कभी कभी थोड़ा सा टफ भी होता है, बट अगेन इसको भी आप देख के समझ पा रहे हो कि सर द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड इन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में ही एम्बेडेड है, कुछ इस तरह से एक सर्कल है, एक लाइन है और फिर एक सर्कल है, राइट. चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. देखिए 11th क्वेश्चन देखते से ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी एंड डी आर इनकरेक्ट क्योंकि इस तरह से बना ही नहीं है. अब ए और बी में से कैसे चूज करें, तो इफ यू लुक एट दिस लाइन, तो ये लाइन मिसिंग है ऑप्शन ए में, दिस लाइन इज नॉट, इट इज मिसिंग इन ऑप्शन ए, सो दैट इज द रीजन योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट. सो आई होप आपको एम्बेडेड फिगर में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है. एम्बेडेड फिगर में बच्चों करना क्या होता है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट देखना है कि कौन सा टर्न में है, कौन सा स्ट्रेट में है, कौन सा सर्कल में है, बस इन्हीं चीजों को फिगर आउट करना होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप इतना तो समझ गए होंगे कि सर बी और सी तो नहीं है सही, बी एंड सी आर इनकरेक्ट. नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट वेदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज करेक्ट. एंड इतना फिगर तो दोनों में दिख रहा है, इतना पार्ट तो ए और डी दोनों में दिख रहा है ये ऊपर वाला, बट ये लाइन, ये लाइन क्या आपको ऑप्शन ए में ये लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है. एंड दैट इज द रीजन यहां पर आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है. एक बार आप लोग भी इस पे नजर मार लीजिए, आप बोलेंगे तो मैं इसको बॉर्डर भी कर देता हूं. देखिए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्फाबेट एफ देखना है, इसमें एफ देखना है बस। तो एफ कहां पर बन रहा है? देखिए एफ में एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, ऑप्शन सी, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बनेगा। तो एम्बेडेड फिगर में यही होता है, क्वेश्चन आता है, आपको ऑब्जर्व करना होता है कि द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड इन विच ऑफ द ऑप्शंस, और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं उनको देख के एलिमिनेट करते चलो, जो ऐसे लग रहे हैं कि ये हो सकते हैं उन पे लास्ट में जज कर लिया हमने, ठीक है। तो बस इन इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन ए और सी में सिर्फ डिफरेंस किसका था कि ये वाली लाइन छोटी थी, इसमें भी बन रहा है पर इसमें ऐसा बन रहा है, दोनों लाइन बराबर पे है, यहां पर नहीं है, ठीक है। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा एम्बेडेड सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन फिगर है इट मस्ट बी एम्बेडेड इन वन ऑफ द ऑप्शंस, एंड गोइंग बाय द ऑप्शंस आई थिंक ऑप्शन ए में एम्बेडेड नहीं दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यस ऑप्शन बी ही करेक्ट है, आप देख सकते हो। मैं उसे और आउटलाइन कर देता हूं सो दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से कुछ, ठीक है। आप ये बोलेंगे सर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में भी तो दिख रहा है, पर इन ऑप्शन डी जो नीचे वाली लाइन है दैट इज ब्रॉडर, काफी बड़ी है, बट अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये लाइन छोटी है, और ये किस फिगर में एम्बेडेड है, इट इज एम्बेडेड इन ऑप्शन बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एम्बेडेड फिगर, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको एम्बेडेड फिगर में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है। इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना हुआ है, और पैरेललोग्राम आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, समझ गए हो आप बच्चे, अब आप इतने भी आप वो नहीं रहे, आप लोग भी समझदार हो गए इतने सेशन देख देख के कि सर ऑप्शन डी में दिख रहा है एम्बेडेड सिस्टम, सॉरी एम्बेडेड फिगर किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे? आपको ऐसा फिगर कहां पे दिख रहा है, यहां पे कहीं नहीं दिख रहा, अगर मैं ऑप्शन बी में इसको आउटलाइन करूं तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। सो जो मैं आपको बच्चों पहले क्वेश्चन से ही चीजें समझा रहा हूं कि एम्बेडेड फिगर में आपको क्या देखना है, कि किस ऑप्शन में उसका पार्ट एम्बेडेड है, किस ऑप्शन में उसका पार्ट छुपा हुआ है, ठीक है। बस यही पैटर्न हमें ढूंढना होता है। एम्बेडेड सिस्टम आपके रीजनिंग का एक वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स होता है, और इसका क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अब अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ लुक एट दिस एंड आंसर कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। और ऐसा एम्बेडेड फिगर आपको मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। सर कैसे दिख रहा है, देखिए इसकी आउटलाइन बना लेते हैं हम इस तरह से, दिस इज द आउटलाइन, और यही चीज यहां पे क्वेश्चन फिगर में भी था, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में जितनी भी चीजें थी आपको सारी मैं बता चुका हूं। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।